समाज को उनको बहुत जरूरत है, अगर गुरुजी आएंगे तो मैं कहूँ समाज बहुत ज्यादा सुधर जाएगा, 101% सुधर जाएगा समाज, गुरुजी की बहुत जरूरत है। सरकार से क्या अपील करूँ? सरकार से मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री हैं अपने चौटाला जी और जितने भी मंत्री हैं, मैं तो यही उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि वो आए और आगे चल के हमारे गुरुजी को वहाँ से छुड़वाएं और आगे इस हरियाणा को, पूरे देश को उनकी जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा वेसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का रियल फैक्ट क्या है, असली फैक्ट्स क्या है, जनता के क्या विचार है, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचे हैं। सवाल करते हैं आज, जनता उनके बारे में क्या कहती है? 2-2.5 साल हो गए हैं वो समाज में नहीं है, आज उनका उनके बारे में जनता का क्या कहना है, बात करते हैं सीधा जनता से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है जी। गुरु जी बहुत अच्छे थे, समाज के लिए बहुत अच्छे थे। गुरु जी ने बहुत संगत को शिक्षा दी, अच्छी अच्छी बातें बताई, उनके उन पर चलते हुए आज गुरुजी के यहाँ जितना भी था सबको एक छोटी है तो बेटी के समान, बराबर की तो बहन के समान, उससे बड़ी है तो माता के समान मानना। आज जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये रेप के फलाने के चल रही हैं, ये गुरुजी ही ने हमको सबको संगत में बताया और आज तक हमारे जितना भी ये संगत जाती है आज तक कोई ऐसी कहानी नहीं हुई। तो गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत समाज के सुधारक हैं, ऐसे गुरुजी तो शायद मैं कहूँ कभी मिलेंगे नहीं। उन्होंने बहुत समाज सुधार किया, बहुत संगत को अच्छी बातें बताई और उनके रहते हुए हम भी बिल्कुल आज बीड़ी सिगरेट शराब मीट मांस अंडा किसी के पास नहीं जाते और हम बिल्कुल सुखी जीवन जी रहे हैं और ऐसा ही हमारा परिवार है जी। और किस तरह के कार्य उन्होंने देश हित में समाज हित में किए? देश हित में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, जैसे कि अपना ये मिलिट्री फोर्स है, अपनी पुलिस फोर्स है या कहीं भी है, उनको ब्लड दान देना ये सबसे पहला उनका काम था जी। दूसरा ये है, उन्होंने एक दिन में कई कई लाख पौधे लगवाने, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित है, हमारे लिए जो आज बताते हैं भाई पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत ही पौधे लगवाए और गुरुजी की एक आवाज पर 6 करोड़ क्या 6-7 करोड़ पौधे लग जाते थे एक आवाज पर। तो गुरुजी के कहने के अनुसार एक आवाज कहते थे वही पौधे लगाने वो लग जाते थे, ये सच्चाई है। शायद मैं आज ये मानता हूँ अगर सरकार कहे तो वो शायद इतने पौधे नहीं लगाए जितने हमारे गुरुजी के कहने के सहारे पर हो जाते थे। ये समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने। और दूसरा, उन्होंने जो बेटी बना करके उनको, जो बेचारी अपना वैश्यावृत्ति में थी उनको बेटी बना करके और उनका शादी करवाई, बड़े बड़े इंजीनियर लोग रहे, बड़े डॉक्टर रहे, उन्होंने शादी वगैरह कराई, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। तो गुरुजी के लिए तो जितना कहे उतना कम है जी। सर इतने कार्य जो आप बता रहे हो उन्होंने समाज के या देश हित के लिए किए हैं, अब देख रहे हैं कि 2-2.5 सालों से वो समाज में नहीं है, तो क्या फर्क आया है उनका ना रहने से? अब गुरुजी समाज में नहीं है इस वजह से काफी फर्क आया है। अब आप देख रहे हो ना तो इतने पौधे लग पाए हैं, ना इतना समाज में जो इतने भयानक काम हो रहे हैं, कोई हमारी लड़की कोई सुरक्षित नहीं है ये समाज में। और अब देखो चारों तरफ देखना तो एक हाय हाय हो रही है और चारों तरफ हो रही है, ये बहुत ही मतलब नुकसानदायक बात देश के हित में नहीं है। और जब हमारे गुरुजी थे तो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए जी। सर जो लगातार आपने भी अभी बोला लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, लड़कों के अंदर रिस्पेक्ट कम हो रही है लड़कियों के लिए, इसका मुख्य कारण क्या लगता है? इसका मुख्य कारण ये है कि हम जो है ना गुरुजी के पास जाते थे तो वो गुरुजी यही शिक्षा देते थे, बेटा बेटी बहन जो है ना वो बहन माननी है, और हम जब अपनी बहन को बहन मानेंगे तो दूसरी को भी बहन मानेंगे, इस वजह से जो अत्याचार हो रहे हैं। अगर डेरे में जाए और वहाँ सत्संग सुने गुरुजी का, और गुरुजी आए, बहुत ही जरूरी है गुरुजी आए और उनका सत्संग सुने, तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, उससे ना काफ़ी फर्क पड़ेगा जितनी भी पूरे देश की जनसंख्या है उस पर।
सर एक तरफ उनके कार्य हैं, समाज को उन्होंने सुधारा है, दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने आरोप भी लगाए गए हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? ये जितने भी आरोप लगाए हैं सब गलत लगाए हैं, ये सब राजनीतिक कहानी है, ठीक है। उन्होंने ये जो शराब के व्यापारी थे उन्होंने आगे जो है ना वह पैसे दिए, उन्होंने गुरुजी शराब छुड़वाई, जितने नशीले वो है, जितने नशे के कारोबारी है, उन्होंने झूठे आरोप लगा करके और झूठी लड़की पैसे दे करके गुरुजी के लिए आरोप लगवाए, ये सारे गुरु के आरोप जितने भी हैं ये गलत है। और गुरु बहुत अच्छे हैं,